हम बहुत खुश होते सर, और पूरे देश की जनता खुश होती, उत्तर प्रदेश की जनता खुश होती। रुकिए जरा नरेंद्र, रुकिए। और मनोज यादव, मैं आपसे यही कह रहा हूं, जो आपने घटनाओं का जिक्र करा, जिन लोगों का जिक्र करा, अच्छा ये होता कि मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका पक्ष रखने के लिए मौजूद JK 24/7 न्यूज पर, ये कहते कि हां हम सरकार के साथ खड़े हैं, बेटियों को सुरक्षा दिलाने के लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, और जो सरकार कदम उठाएगी उस पर हम खड़े रहेंगे, साथ में खड़े होंगे। लाचन लगाने से अच्छा ये होता सर, और देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आपकी वाहवाही करती, मनोज यादव की, समाजवादी पार्टी की। सर बहुत अच्छा होता अगर जो आपने नाम गिनाए हैं, जो वाक्या बताया, उससे बेहतर होता सर अगर ये कहते आप। लेकिन धनंजय सवाल ये नहीं, हम सियासत में चाह ही नहीं रहे हो ना सर इस पर करने को, सियासत हम चाह ही नहीं रहे, सियासत का जो विषय होगा उस पर सियासत करेंगे सर, बहुत अच्छे से कीजिएगा सियासत सर, ये विषय सियासत का नहीं है सर, मनोज यादव सियासत का नहीं है ये विषय, ये विषय बेटियों की सुरक्षा का है सर। आप हर विषय पर सियासत करेंगे ना सर, तभी ऐसी स्थिति ना पैदा करिए सर कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर आप सियासत करते रहे। लेकिन धनंजय शुक्ला सवाल यह है, रुकिए जरा मनोज यादव, रुकिए जरा मनोज यादव, रुकिए धनंजय शुक्ला, जी बताइए, मैं ये कह रहा हूं, आखिरी सर क्लोजिंग कमेंट आपसे चाह रहा हूं, सरकार ऐसा क्या कर रही है कि देश की बेटी, उत्तर प्रदेश की बेटियां ये कह सके कि हां योगी सरकार है तो हमें खौफ नहीं है, हम निकल सकते हैं बाहर, और आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को मैं, अब्दुल नबी हसन या तमाम टीवी एंकर्स या फिर तमाम लोग ना पढ़ रहे हों, ना बोल रहे हों, ना ऐसी कैंडल्स जल रही हों। क्या कर रही हो हमारी सर।